मऊरानीपुर उप जिलाधिकारी पुलिस क्षेत्राधिकारी ने अवैध खनन खकौरा घाट पर की कठोर कार्यवाही। प्रशासन कार्यवाही करने में हुआ सफल, बालू माफिया पर कसा शिकंजा, अवैध बालू खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। झांसी जिले के खकौरा बालू घाट बंद होने के बाद भी चालू थे, जिसकी सह पर खेला जा रहा था अवैध बालू खनन का खेल, आज लगा दिया प्रशासन ने ताला। झांसी के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार खनन माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रहे हैं और खनन माफियाओं की कमर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं मऊरानीपुर में बालू घाट बंद होने के बाद भी तहसील प्रशासन को खनन माफिया खुलेआम चुनौती देते दिखाई दे रहे थे, जहां लिफ्टर लगाकर खनन किया जा रहा था और प्रशासन पूरे खेल से अनजान बना हुआ था। आज मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खकौरा स्थित बालू घाट विगत माह में ठेकेदार द्वारा बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद भी बालू माफिया खुलेआम पनडुब्बी की मदद से नदी का सीना चीरकर बालू खनन कर रहे थे, राजस्व को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस खेल की जानकारी तहसील मुख्यालय को ना हो, लेकिन आज मऊरानीपुर उप जिलाधिकारी इंद्रकांत द्विवेदी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी स्नेहा पाठक मऊरानीपुर द्वारा आल्हा अधिकारीगढ़ ग्राम खकौरा घाट पर पहुंचकर बड़ी कानूनी कार्यवाही की गई। पुष्पेंद्र श्रीवास के साथ नेहा श्रीवास की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज, झांसी।